हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ डोसा रेसिपी। तो चलिए किस तरह से मैं बनाऊंगी वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो डोसा बनाने के लिए मैं पहले यहाँ ले रही हूँ चावल, जो नॉर्मल चावल है वही ले रही हूँ। तो यहाँ मैं 1.5 कप नॉर्मल जो चावल है वो ले रही हूँ, और साथ में लूँगी 1/2 कप मैं बॉयल्ड राइस। तो आप लोग चाहे तो नॉर्मल जो भी राइस है वो ही ले सकते हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा सा बॉयल्ड राइस भी यूज़ कर रही हूँ, जो सनराइज का बॉयल्ड राइस आते हैं वही मैं ले रही हूँ। तो यहाँ लगभग मैंने 2 कप चावल ले लिया है। तो चावल को अच्छी तरह से सबसे पहले धो लूँगी, धोकर रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। तो चलिए अच्छी तरह से धो लेती हूँ। और इसके बाद दूसरे एक बोल में मैं ले रही हूँ उड़द की दाल। तो यहाँ मैं उड़द की दाल 1 कप ले रही हूँ, और साथ में मैं ऐड करूँगी अरहर की दाल 1/2 कप। तो आप लोग चाहे तो सिर्फ उड़द की दाल के साथ ही बना सकते हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा सा क्रिस्पी ज़्यादा करने के लिए अरहर की दाल भी मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ, और साथ में मैं कुछ मेथी के दाने थोड़ा सा मैं यूज़ करूँगी। तो देख सकते हैं यहाँ मैंने मेथी के दाने 1 चम्मच करीबन ले लिया है। तो इसे भी अच्छी तरह से धोकर पानी देकर रख दूँगी रेस्ट करने के लिए। तो चलिए धो लेती हूँ। तो इस तरह से अलग अलग मैंने पानी देकर भिगो कर रख दिया है। तो इसे मैं रखूँगी 3 से 4 घंटे तक, ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए, और उसके बाद इसका पेस्ट बना लूँगी। तो चलिए, तो 3 से 4 घंटे भिगोने के बाद देख सकते हैं चावल भी बहुत अच्छी तरह से फूल चुका है, और साथ में दाल को भी देखिए बहुत ही अच्छी तरह से भीग चुके हैं। तो चलिए अभी मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके पेस्ट बना लूँगी और एक बैटर बना लूँगी अच्छी तरह से। और चावल और दाल को एक साथ मिलाकर ही मैं पेस्ट करूँगी। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने पेस्ट कर लिया है, जो बाकी सारे चावल और दाल है वो भी मैं पेस्ट बना लूँगी। तो चलिए बना लेती हूँ। तो सारे चावल और दाल को मैंने पीसकर इस तरह से बैटर बना लिया है। तो इसे अभी मैं अच्छी तरह से ढककर रख दूंगी 7 से 8 घंटे तक, ताकि ये फर्मेंट हो अच्छी तरह, और उसके बाद मैं बनाऊंगी डोसा। तो चलिए ढककर इसे फ्रिज के नॉर्मल टेम्परेचर में रख दूंगी फ्रिज में। तो चलिए रख देती हूँ, और उसके पहले मैं बना लूँगी मूँगफली की चटनी। तो चलिए उसकी तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने ले लिया है मूंगफली। तो मूंगफली को मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है, साथ में लिया है मैंने 2-3 कलियाँ गार्लिक के, और 1 छोटे टुकड़ा अदरक के, धनिया का पत्ता, और लिया है चने के दाल, और चने के दाल को भी मैंने थोड़ा रोस्ट कर लिया है हल्का सा। तो ये सारे चीज़ एक साथ मिलाकर मैं इसका पेस्ट कर लूँगी, साथ में दूँगी नमक और हरी मिर्च। तो चलिए पेस्ट कर लेती हूँ। और देख सकते हैं इस तरह से थिक सा एक मैंने मूंगफली की चटनी बना लिया है। और इसके बाद मैं दूंगी इसका तड़का। तो तड़के के लिए मैं यहाँ रिफाइंड ऑयल दे रही हूँ, और उसके बाद दूंगी सूखे मिर्च और थोड़ा सा सरसों। तो अच्छी तरह से जब चटक जाए तो उसके बाद मैं चटनी में ये डाल दूंगी।
और आप लोग चाहे तो इसमें करी पत्ता दे, तो मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं दिया है। तो ये अभी मैं डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो इस ये देखिए बहुत ही टेस्टी ये मूंगफली का चटनी बनता है। और आप लोग चाहे तो इसमें नारियल भी ऐड कर सकते हैं, तो देख सकता है। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और ये चटनी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए अभी मैं डोसा बना लेती हूँ। और देख सकते हैं डोसा का बैटर जो है वो अच्छी तरह से फर्मेंट हो चुका है। तो ये मैं अच्छी तरह से हाथ से इस तरह से फेंट लूँगी ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह एक बैटर बन जाए, ताकि बहुत ही क्रिस्पी बने। तो चलिए 2 से 3 मिनट तक मैं इस तरह से फेंट लूँगी। और तवा को मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है और अब मैं इस पर थोड़े से ऑयल से ग्रीस कर लूँगी और थोड़ा सा पानी का छींटा देकर उसके बाद मैं जो ये डोसा का बैटर है वो डालूँगी और इस तरह से राउंड राउंड कर लूँगी। और साइड में मैं थोड़ा सा ऑयल दे दूँगी और बीच में भी थोड़ा सा ऑयल देकर पकने दूँगी अच्छी तरह से, और उसके बाद इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से फोल्ड हो चुका है। और गैस का फ्लेम इस टाइम पर मीडियम पर रखूँगी ताकि ये क्रिस्पी बने। तो देख सकते हैं जो पहला डोसा है इस तरह से बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए इसे प्लेट पर निकाल लेती हूँ और एक बनाकर दिखाती हूँ। और देख सकते हैं दूसरे भी बैटर मैंने इस तरह से देकर इस तरह से राउंड राउंड कर लूँगी और उसके बाद थोड़ा सा पकने दूँगी ऑयल देकर, ताकि ये दोनों साइड अच्छी तरह से पक जाए। और उसके बाद मैं इसे फोल्ड कर लूँगी। तो देख सकते हैं मैं इस तरह से हाथों से कर रही हूँ। तो इस तरह से फोल्ड करके ये बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए इसे प्लेट पर निकाल लेती हूँ। और इसी तरह मैं बाकी सारे डोसा भी बना लूँगी। तो चलिए बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मेरा डोसा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आज का ब्रेकफास्ट है मेरा डोसा और साथ में है मूंगफली की चटनी और थोड़ा सा मैंने टमाटो सॉस भी लिया है। तो ये है आज का ब्रेकफास्ट। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये डोसा रेसिपी पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोगों को मेरा ये रेसिपी कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलूँगी फिर से एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।